नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेयर डॉग। तो मीवी ने आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है उनका नेक्स्ट जनरेशन ब्लूटूथ स्पीकर विच इज ऑक्टेव 3, विच इज ए 16 वॉट पावरफुल 360 डिग्री ब्लूटूथ स्पीकर, जिसका प्राइस है 1799 रुपीज़ एंड विच इज गोना बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अमेजन एंड मीवी के खुद के वेबसाइट पे। इसका टोटल 5 अलग अलग कलर वेरियंट अवेलेबल है, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। पैकेजिंग कुछ इस प्रकार का, जैसे आप देख पा रहे हो मीवी ऑक्टेव 3 एंड यहाँ पर वायरलेस स्पीकर, उसके साथ साथ डीप एंड पावरफुल बेस भी दिया गया है। इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम 360 स्टीरियो साउंड। जी हाँ, चारों तरफ से आपको साउंड मिलेगा, विच इज प्रीटी गुड। सुपर सॉलिड बेस है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है। उसके साथ साथ यहां पर आपको मिल जाता है डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफिंग भी, दैट्स प्रीटी गुड। बॉक्स के अंदर मिलता है कुछ यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन, एक साल का आपको वारंटी मिलेगा एंड बाकी एक टाइप सी केबल जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं एंड ए ऑक्स केबल। जी हाँ, ब्लूटूथ के साथ साथ यहां पर आपको ऑक्स कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है। स्पीकर देखने में कुछ इस प्रकार का, जी हाँ, यहां पर आपको मेटल ग्रिल दिया गया है विच इज प्रिटी गुड एंड ऊपर एंड नीचे यहां पर आपको होफर्स दिया गया है। प्रिटी सॉलिड लगता है एक्चुअली पकड़ने में एंड जैसे मैंने बताया मेरे पास ब्लू कलर वेरिएंट अवेलेबल है, इसका और भी 5 अलग अलग कलर वेरिएंट है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। यहां पर एक लैनियर्ड है जिससे आप ऐसे हैंग कर सकते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ ए स्पोर्टी लुक भी देता है और स्प्लैश एंड वाटर रेजिस्टेंस है, तो आप आउटडोर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल प्रिटी कॉम्पैक्ट एंड बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। इस साइड में कुछ वॉल्यूम रॉकर्स है, उसके साथ साथ प्ले पॉज है, ऑन ऑफ बटन है एंड यहां पर एक लीड है जिसको ओपन करने के बाद आपको मिल जाता है ऑक्स केबल एंड चार्जिंग पोर्ट। इसको अच्छे से आपको बंद रखना पड़ेगा, पानी अंदर ना जाए, तभी आपको स्प्लैश प्रूफिंग का टेक्नोलॉजी मिलेगा। सो ओवरऑल अगर 1800 रुपए के हिसाब से देखा जाए, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन मुझे काफी बढ़िया लगा, सिंपलिस्टिक है। आप नॉर्मली ऐसे सरफेस पर रख सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलेगा। जी हाँ, जब भी आप इसको कोई भी सर्फेस में रखेंगे तब इसका जो बेस पावर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हैं अपने स्मार्टफोन से और आपको सुनाते हैं थोड़ा बहुत म्यूजिक फ्रॉम NCS। यार साउंड तो काफी लाजवाब है और इसका बेस काफी तगड़ा है। अगर आप इसको कोई भी प्लेन सरफेस में रखते हैं, मतलब आप नॉर्मली ऐसे भी गाने सुन सकते हैं या फिर ऐसे हैंग करके भी सुन सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कोई भी प्लेन सरफेस में रखते हैं तब वो बेस का जो फीडबैक मिलता है उससे आपको और भी अच्छा बेस, मतलब अगर आपको बेबी को बेस पसंद है तो ये वाला स्पीकर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जहां तक बैटरी परफॉर्मेंस वाला, हालांकि मैंने अभी तक तो बैटरी इसका ड्रेन नहीं किया है, बट अराउंड 7 to 8 आवर्स तक का बैटरी आपको मिल जाएगा अगर आप इसको लगभग 60-70 या फिर 80% वॉल्यूम में सुनते हैं। फुल वॉल्यूम का जरूरत मुझे नहीं लगता इसमें पड़ेगा क्योंकि 60-70% वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड है। एक अच्छा चीज है यहां पर ऑक्स का इनपुट है, तो अगर आप ऑक्स लगा के सुनना चाहते हैं, ब्लूटूथ से नहीं सुनना चाहते या फिर कोई भी MP3 प्लेयर से गाने चलाना चाहते हैं, वो भी आप यहां पर चला सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो ए एड ऑन थिंग जो यहां पर आपको मिलता है। हल्का सा स्प्लैश प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफिंग है, तो बाहर अगर आप लेके जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं लगता वैसा कोई दिक्कत होगा। एंड स्पेशली जब म्यूजिक होता है, ये जब बाउंस करता है वो देखने में काफी सॉलिड लगता है। तो ओवरऑल इफ यू आर लुकिंग फॉर ए पावरफुल स्पीकर, क्योंकि 16 वॉट का आउटपुट है तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं कि 3, 4 या फिर 5 वॉट का है, तो 16 वॉट मतलब आपको काफी एक तगड़ा साउंड मिलेगा। पोर्टेबिलिटी है, गुड बिल्ड क्वालिटी एंड उसके साथ साथ मीवी का सपोर्ट आपको मिलता है। सो यू कैन चेक दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजन एंड मीवी के खुद के वेबसाइट पे एट द प्राइस ऑफ 1799 रुपीज। एंड अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी लेना है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट एमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेयर डॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।